हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इन्होंने जो दिसंबर में अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए थे, यहाँ पे दो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे, एक आपका जो एग्ज़ाम था एमबीए का और दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम था बीएड का, तो उसमें से एक का जो रिजल्ट है एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो आ चुका है, इग्नू ने जो है वो जारी कर दिया है। तो चलिए आइए देख लेते हैं किस तरह से आपको ये रिजल्ट जो है वो देखना है, और ये रिजल्ट है किसका, थोड़ा सस्पेंस बना के रखते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो अभी बता दूं कि एक का ही आया है तो बीएड का है या फिर एमबीए का है। तो चलिए आइए चलते हैं इग्नू की साइट पर और वहाँ पर देखते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपको इस चैनल पर टेट की भी प्रिपरेशन करवाएंगे, और के साथ ही साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए चलते हैं इग्नू की वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं इग्नू की वेबसाइट पे हैं, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, और देखते हैं कौन सा रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया गया है। बिल चलिए मैं ज़्यादा सस्पेंस को नहीं बनाती हूँ, मैं बता देती हूँ कि जो एमबीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिजल्ट है एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो आ चुका है। तो आप जब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर रिजल्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो ओपन होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं इसका लिंक दे दूँगी वेबसाइट का, तो आप वहाँ से भी जाके अपना रिजल्ट देख सकते हैं यदि आपने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, ओपन मैट के नाम से जाना जाता है एमबीए का जो एग्जाम है, इग्नू ले रहा था एंट्रेंस एग्जाम। तो यहाँ पे आके आपको यहाँ पे अपना जो इनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, 9 नंबर का होगा आपका इनरोलमेंट नंबर, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई इनरोलमेंट नंबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखने के बाद आपको सीधे सबमिट कर देना है और जो आपका रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, और यदि आप क्वालिफाई कर गए हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को, तो देखिए यहाँ पे जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं उन लोगों के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ठीक है ना, प्लीज़ सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन आप मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए आपको फॉर्म एक सबमिट करना होगा, और जो उसकी फ़ीस है वो आपकी 1800 रुपये होगी पर कोर्स के हिसाब से है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप जिस रीजनल सेंटर से हैं उस रीजनल सेंटर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, और बिफोर द लास्ट डेट, लास्ट डेट के पहले जो है आपको उसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है अपने उस फॉर्म में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसको आप, तो आपको अटेस्टेड करवाना है उन सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपीज को, प्रिंट आउट ऑफ द रिजल्ट कार्ड जो आपका रिजल्ट निकला उसको आपको प्रिंट लेना है, और पेस्ट योर रिसेंट फोटोग्राफ, इस समय की जो आपकी लेटेस्ट फ़ोटो है उसको आपको यहाँ पर खिंचवा के पेस्ट करना है फॉर्म में, और वहाँ पर आपको जो साइन इन द बॉक्स जहाँ पे साइन का ऑप्शन दिया वहां पे आपको साइन करने हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आप इनको देख लीजिएगा। मेन मेरा जो एम था वो आपको बताना था कि जो आपका एमबीए का जो आपने भी एग्जाम दिया था एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए दिसंबर में आपके एग्जाम चले थे, वो रिजल्ट एमबीए का आ चुका है। और रही बात बीएड वालों के लिए, तो मैं बता दूं कि 1 वीक के अंदर जो है आपका भी रिजल्ट आ जाएगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इंफॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।